जनपद रुद्रप्रयाग के उखी मठ मनसुना उनियाला मोटरमार्ग की दुर्दशा देखने को मिल रही है, जबकि कागजों में शासन प्रशासन विकास के बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि यह मोटरमार्ग करीब 15 गांवों को यातायात से जोड़ता है, साथ ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम को जाने वाला मुख्य मार्ग भी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रागेश नेकी और स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएमजीएसवाई विभाग को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि साल 2019 में भी जनता ने सड़क पर डामरीकरण की खराब गुणवत्ता को लेकर आंदोलन किया था। वहीं इस बार लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही काम शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। चार सालों से इस रोड का बहुत बुरा हाल है, इस सारे रोड में गड्ढे गुड्ढे हो रखे हैं और हमने कई बार सरकार से बोला भी, कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। और सरकार से यही गुजारिश है कि इस रोड पे जल्दी से जल्दी काम हो। उखीमठ मनसुना उनियाणा रांची मोटर मार्ग की जो दुर्दशा बनी हुई है बहुत ही दयनीय हालत में आज है, और यहाँ पे जो सड़क है उसमें जितने गड्ढे पड़े हुए हैं, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, मुझे तो ये लगता है कि गड्ढों में ही सड़क बनी हुई है। लगातार यहाँ की क्षेत्रीय जनता लगातार कई समय से मांग करती आ रही है कि इस सड़क का सुधारीकरण हो, लेकिन शासन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस प्रकार से सड़क की स्थिति बनी हुई है, सरकार तुरंत इस पे त्वरित कार्रवाई करके इसका पुनर्निर्माण करे, अन्यथा यहाँ की क्षेत्रीय जनता को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। याना रांची जो मोटर मार्ग है ये काफ़ी इसकी दुर्दशा हो रखी है, तो ये जो हमें जो वाहन है दोपहिया वाहन, इसको चलाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए इस रोड पर काफ़ी गड्ढे पड़ रखे हैं यहाँ, और हमें शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस रोड पर जल्द से जल्द काम करवाया जाए, नहीं तो जो हमारी क्षेत्रीय जनता है वो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी।